नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 पर। मैं आपके साथ सुमन मान। इस वक्त खबर पदमपुर से आ रही है। पदमपुर के वार्ड नंबर 3 से खबर है, जहां कबाड़ी का काम करने वाली एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना एक दिन पूर्व की है। दो युवकों ने कबाड़ी का काम करने वाली एक महिला के साथ में मारपीट की थी, जिसके चलते महिला ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इसकी जानकारी दी। महिला को पदमपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जब मीडिया वहां पहुंचती है, तो महिला ने मीडिया को अपनी आपबीती बताते हुए मारपीट में जो चोट के निशान लगे थे वो निशान मीडिया को दिखाए। लेकिन मामला तब पूरी तरह से बदल गया जब आज सुबह महिला ने इस मामले में राजीनामा कर लिया और अपने बयान बदल लिए, और वो महिला अभी मीडिया से बचने की कोशिश भी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिला ने किसी दबाव में आकर राजीनामा किया, या हो सकता है कि कुछ प्रभावशाली लोग भी इससे जुड़े हुए हों। इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता विनोद सोखल जी से। इस वक्त विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, जी बताना चाहूंगा कि ये श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर का मामला है, जहाँ एक महिला के साथ दो युवकों ने मारपीट की थी, और मारपीट करने के बाद महिला जब घायल हो गई तो उसको पदमपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, और महिला के द्वारा ही 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, और पुलिस के जो कुछ लोग थे उन्होंने एक राजनीतिक दबाव या उन लोगों से बैठ के समझौता करवा दिया। एक तो महिला के साथ मारपीट हो गई और पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस को भी बुलाने के बाद भी ये मामला शाम तक, जहाँ मुकदमा दर्ज होना था वहाँ शाम शाम होते होते ये मामला बदल गया और राजीनामे पे जा अटका। जी तो विनोद जी, राजीनामे की वजह क्या सामने आ रही है? क्या कुछ प्रभावशाली लोग उसमें शामिल थे जिस वजह से राजीनामा हुआ, या जो महिला बता रहे हैं खबर में कि कबाड़ी का काम करने वाली महिला है, क्या उसको पैसे दे दिए गए, वो पैसों की खातिर चुप हो गई? जी बिल्कुल, अभी इस चीज को हम प्रमुखता से नहीं बता सकते कि आखिर वो उसने पैसे लिए हैं, क्योंकि ये एक प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर किया है, या लोगों से पैसे लेकर राजीनामा हुआ है, किस वजह से हुआ राजीनामा, क्योंकि ये चीज है ये पुलिस हमें नहीं बताएगी, और न ही वहाँ जिन लोगों के बीच में बैठ के राजीनामा हुआ है वो लोग भी बताएंगे, क्योंकि मीडिया से आज देखा गया तो ये लोग सारे मीडिया से दूरियां बनाए हुए थे। लेकिन कल जब ये मामला हुआ था, महिला के साथ जब मारपीट हुई थी, उस टाइम सभी को मीडिया की याद आई थी, लेकिन आज जब ये राजीनामा हो गया, प्रभावशाली लोग बीच में आ गए, उसके बाद में ये पूरा मामला उलट पुलट हो गया, उसके बाद में ये देखा गया कि ये प्रभावशाली लोगों का दबाव था, और दबाव के बाद इन लोगों ने राजीनामा कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनको राजीनामा ही करना था तो पुलिस को गुमराह क्यों किया? पुलिस जब 100 नंबर डायल किया तो 100 नंबर डायल करने के बाद जिला मुख्यालय पे कॉल जाती है, और जिला मुख्यालय ही संबंधित थाने को कॉल देता है, और जिला मुख्यालय की पुलिस भी इसको अपना टाइम बर्बाद किया, उसके बाद में टाइम उसका भी वेस्ट हुआ कि उसने संबंधित थाने में कॉल दिया, संबंधित थाने से 100 नंबर की गाड़ी गई और वहां जाके वो पूरा मामला उन्होंने समझा और महिला की चोटें देखी, बयान लिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद शाम होते होते ये मामला राजीनामे में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह किया गया है। जी बिल्कुल, पुलिस को गुमराह किया गया है। लेकिन विनोद जी, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें प्रभावशाली लोग मिले हुए हैं? क्या किसी तरह की कोई भी बात सामने आई है, किसी का नाम आया है जो हम ये कह सके कि प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, अभी तक खुल के किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुछ प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने उन दोनों युवकों को बचाने के लिए जी इस महिला पे दबाव बनाया, और महिला पे दबाव बनाने के बाद महिला के साथ राजीनामा किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला की चोटें भी लगी हुई है, चोटों के निशान आप विजुअल में देख पा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस महिला के साथ राजीनामा हो जाना एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस महिला को किस दबाव में रखा गया ताकि ये महिला राजीनामा करने के लिए राजी हो जाए। जी विनोद जी बिल्कुल, चोट के निशान भी पाए गए हैं, राजीनामा भी हो गया है, लेकिन ये मारपीट हुई किस कारण से थी, मारपीट की वजह क्या रही? जी बिल्कुल,
ये जो महिला थी ये कबाड़ी का काम करती है, कबाड़ी का काम, कबाड़ी चुगने का काम करती है, और उसके बाद जो युवक मारपीट करने वाले थे वो कबाड़ी का जो सामान होता है वो सामान खरीदते हैं, इसीलिए वो लोग क्या है प्रभावशाली थे, क्योंकि ये जो कबाड़ी का काम करते हैं ये लोग प्रभावशाली होते हैं, ये जो छोटे छोटे कबाड़ी होते हैं उनसे सामान लेते हैं, ये बड़ा एक तरह का कि सोच करके बैठे होते हैं और ये लोगों से सामान खरीदते हैं, तो इन लोगों को सभी के साथ प्रभावशाली लोगों के साथ उनके अटैचमेंट होते हैं, और उसी वजह से वो क्या है धीरे धीरे ये राजीनामे वाली बात आई सामने महिला के साथ, और उन्होंने मारपीट की क्योंकि वो महिला उनके पास सामान नहीं लेके आती थी कबाड़ी का, इस वजह से उसके साथ मारपीट की गई, उसके बाद शाम होते होते महिला को भर्ती भी करवाया गया, राजीनामा भी हो गया, ये तमाम तरह की सवाल थे, आज भी वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी जी विनोद जी, महिला की उम्र क्या है? मतलब जी बताना चाहूंगा कि महिला की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में है, और दो महिलाएं थी जिनके साथ ये मारपीट की गई थी। तो क्या इनके साथ में इस तरह की घटना पहले भी हुई है या पहली बार ही ये मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, ये पहली बार मामला सामने आया है, इस तरह का पहले कोई मामला नहीं आया था, और जैसे ही कल सुबह ये मामला महिला के साथ मारपीट हुई तो मामला हाईलाइट हुआ, सभी के मोबाइल में सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गया कि महिला के साथ मारपीट हुई, लेकिन शाम होते होते पूरा मामला ही बदल गया कि सारा मामला राजीनामे में तब्दील हो गया। जी, राजीनामे की जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि पुलिस वाले कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हम कह नहीं सकते कि आखिर राजीनामे की वजह रही क्या हो, पैसे लिए गए हो, डराया धमकाया गया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिस वजह से इस महिला ने राजीनामा किया हो। जी विनोद जी, क्या इसके बारे में और किसी तरह की जानकारी आपके पास अभी है? क्या महिला अभी सही है? क्या उसको घर रेफर कर दिया गया है? जी बिल्कुल, महिला को प्राथमिक उपचार के बाद आज छुट्टी दे दी गई है, और वो अभी छुट्टी लेने के बाद अपने घर पहुंच चुकी है। जी, खबर पर जुड़ने के लिए विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।